दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो लो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के फोन्स का सब लोग वेट कर रहे हैं, A42, A52, A72 एंड ये सारे स्मार्टफोन मार्च तक तो आ जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, सारे के सारे 5G होने वाले हैं। लेकिन उसमें एक और स्मार्टफोन होने वाला है जो कि 20,000 के बजट के आसपास आएगा एंड वो भी 5G होगा। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A32 की। इसके रेंडर्स कल परसों आए थे, वो भी दिखाऊंगा क्या है। एंड इसके लीक्ड एंड रूमर्ड स्पेसिफिकेशन जो है वो भी आ गए हैं सारे के सारे, ऑलमोस्ट समझ लो, वो भी बताने वाला हूँ। चलते से वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है स्मार्टफोन। ये भी मार्च तक आ जाएगा कह रहे हैं लोग और 20,000 के आसपास की प्राइस होगी। देख लेते हैं क्या है। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके कुछ रेंडर्स आए थे जिससे पता चल रहा था कि रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है। केस मेकर है जो इसका केस बनाते हैं, उनमें बैक कवर दिखाया था तो उसमें बताया था कि इसमें ट्रिपल कैमरा आने वाली है एंड उसके साथ साथ बताया था कि दो फ्लैश होंगे रियर साइड पे, वही पता चला था। लेकिन बाद में कुछ रूमर्ड स्पेसिफिकेशन भी आ गए इसके, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले और डिजाइन की बात करते हैं। तो इसमें डिस्प्ले जो है वो तो केस वाले में आप देख ही सकते हो कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच आने वाला है, यानी इन्फिनिटी यू डिस्प्ले वो कहते हैं वो लोग, वही वाला आने वाला है। 6.4 इंच का डिस्प्ले होने वाला है जिसपे इन्फिनिटी यू का नॉच होगा। सुपर एमोलेड का पैनल होगा, लेकिन आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, याद रखना। 60 हर्ट्ज वाला ही पैनल होगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, ये भी आपको उस इमेज में दिख जाएगा कि आपको स्कैनर जो है साइड माउंटेड मिलने वाला है। एंड बाकी सारी चीजें अच्छी होंगी। रियर साइड पे प्लास्टिक होगा, ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, ड्यूअल फ्लैश होगा, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग होगी। तो देखने में स्मार्टफोन ठीक ठाक दिखेगा, बहुत अच्छा तो नहीं होगा लेकिन ठीक ठाक आपको दिख जाएगा। पंच होल का ट्रेंड है लेकिन उसमें वाटर ड्रॉप नॉच देना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन स्टिल चलो दे रहे हैं। सुपर एमोलेड का पैनल है, वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं चिपसेट की। चिपसेट कौन सा आएगा? स्नैपड्रैगन 750 तो ऑलरेडी A42 और A52 में आ रहा है। अब सारे स्मार्टफोन में तो सेम तो देंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक्जिनोस का 880 का 5G चिपसेट। ये समझ लो स्नैपड्रैगन 730G है ना, उसके बराबर का कुछ परफॉर्मेंस देता है, कुछ 280,000-290,000 के आसपास इसका अंतुदु का स्कोर है। इसके पहले वीवो के Y70S जो स्मार्टफोन है उसमें ऑलरेडी आ चुका है। एंड ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 8nm पे बेस्ड है, जिसमें से दो कोर 2GHz में है, बाकी 6 कोर 1.8GHz में है। सारे के सारे कोर जो है कोटेक्स A77 और A55 वाले हैं। अच्छी चीज़ है परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि 280,000-290,000 के आसपास इसका अंतुदु का स्कोर आता है, ठीक ठाक चिपसेट है। सबसे बड़ी बात है कि 5G है। देन उसके साथ माली G76 MP5 का GPU आता है, यानी गेमिंग ग्राफिक्स किसी भी लेवल पे खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है इसमें। अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं। एंड एंड्रॉइड 11 के ऊपर डायरेक्ट आएगा, जो कि आपको One UI 3.0 के ऊपर आने वाला है। नॉक्स की सिक्योरिटी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। परफॉर्मेंस अप टू द मार्क होने वाला है दोस्तों। बात करते हैं कैमरा की। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा होगा, वो तो आप ऑलरेडी देख सकते हो। प्राइमरी सेंसर जो होगा 48 मेगापिक्सल का होगा, जिसका अपर्चर F1.8 का होने वाला है। सेकेंडरी सेंसर अल्ट्रा वाइड होगा, वो कितने मेगापिक्सल का होगा अभी नहीं पता है, 12 होगा या 8 होगा, वो तो बात की बात है, देखेंगे। मेरे ख्याल से 12 आ जाए शायद। तीसरा वाला सेंसर एक डेप्थ सेंसर होगा एंड अच्छी बात है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पैनोरमाइज या सब कर लोगे। रियर साइड पे डबल फ्लैश दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ऐसे इमेज में दिखाया गया है। ड्यूअल फ्लैश रियर साइड पे दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज है। देन उसके साथ फ्रंट में आओगे तो वहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है, जिसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है। वहां से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बुके पैनोरमाइज या सारी चीजें कर लोगे। कैमराज अप टू द मार्क होंगे, जिस प्राइस पे आएगा डिसेंट कैमराज आपको सैमसंग की तरफ से मिल जाएंगे दोस्तों। बैटरी इसमें जैसा A42 में है वैसा यहाँ पे भी 5000mAh की आने वाली है। इसके साथ 25W का चार्जर आएगा एंड टाइप सी का पोर्ट होगा, तो बैटरी बड़ी रहेगी 5000mAh की। एंड 8nm का चिपसेट है तो बैटरी एफिशिएंसी भी आपको अच्छी दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन वन यूआई भी बहुत अच्छा है बैटरी एफिशिएंसी में, तो वो भी काम करेगा। तो 5000mAh अच्छी खासी बैटरी एफिशिएंसी आपको दे देगी। देन उसके बाद आपको जैसे मैंने कहा कि 25W का चार्जर रहेगा एंड टाइप सी का पोर्ट रहेगा, तो बैटरी मेरे हिसाब से इनफ रहेगी दोस्तों। सेंसर्स की बात करते हैं, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, याद रखना इसमें अंडर डिस्प्ले नहीं होगा। इसके साथ साथ एक्चुअली 5G है तो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए चीजों को कम करने के लिए इस बार साइड माउंटेड आपको देंगे। देन उसके साथ बाकी सारी चीजों की बात करोगे तो आपको सेंसर जितने हैं वो सारे मिल जाएंगे, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, सब मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। फेस अनलॉक भी रहेगा, नॉक्स की सिक्योरिटी रहेगी, 3.5mm जैक रहेगा, तो बाकी जितने भी सेंसर्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे, इशूज सेंसर्स के डिपार्टमेंट में नहीं आने वाले दोस्तों। स्लॉट की बात करते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट आएगा, दो सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे, अच्छी चीज है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है।
एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो दो वेरिएंट आ सकते हैं, अभी आने वाला तो नहीं कहूंगा, आ सकते हैं, ये तो एक्सपेक्टेड है कि दो वेरिएंट आएंगे। पहला होगा 6GB 128GB जिसकी प्राइस हो सकती है 20,000 हो, एंड दूसरा है 8GB 128GB जिसकी प्राइस हो सकती है 22,000 या 23,000 के आसपास हो। अब वो देखेंगे किस प्राइस पे क्या लेकर आते हैं, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो ये होने वाला है A32 जिस जो इसके रूमर्ड स्पेसिफिकेशन आए हुए उसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या हो सकता है जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस में भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट में खास नहीं करना है, साइड में देखोगे वैक्टेमेज दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हो। एंड कौन से वाले का वेट कर रहे हो, A32 A42 A52 या A62 का, A72 का 62 का है, किसका वेट कर रहे हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख बता देना। और इंस्टाग्राम भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।